जनूबी भारत से ताल्लुक रखने वाले तमिल फिल्मों के सुपरस्टार अदाकार विजय थलेपति ने अपने करियर के अरूज पर इंडस्ट्री को हैरानबाद कहते हुए सियासत में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसी हवाले से अपडेट्स लेकर आए हैं हम आपके लिए आज की इस वीडियो में। वीडियो का आगाज करते हैं, चैनल में आपको वेलकम करते हैं। गाइस आपको बताते चले कि विजय थलेपति का भारत के इन मशहूर अदाकारों में शुमार होता है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेते हैं। विजय ने अपने करियर को इस वक्त छोड़ा जब बताया जा रहा था कि इनकी आने वाली फिल्म थलेपति 69 इनकी आखिरी फिल्म होगी, जिसके लिए अदाकार ने 975 करोड़ रुपये भारतीय मुआवजा लिया है। रवा साल के आगाज में विजय ने अपनी सियासी पार्टी बनाने और सियासी पार्टी टीवी बनाने का ऐलान किया था। तहम इस हवाले से ये अफवाह फैल रही थी कि क्या वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते रहेंगे या सिर्फ सियासत पर तवज्जो मरकूज रखेंगे। तो अब विजय ने इस हवाले से खुद ही वजाहत कर दी है। गुज़िश्ता रोज तमिल नाडवा में अपनी सियासी जमात की तरफ से मुनक़िद पहली बाकायदा तकरीब में खिताब करते हुए अदाकार का कहना था कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया है। अपने करियर के अरूज पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को खैरात कह दिया है और अब वो मुकम्मल तवज्जो सियासत पर देंगे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ इसलिए छोड़ा ताकि वो अपनी तमाम तर तवज्जो सियासत को दे सके। अदाकार विजय थलेपति का कहना था कि उन्होंने करियर के अरूज पर अपनी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी है, अपनी तनख्वाह छोड़ी है और यहाँ पर वो आपके विजय के तौर पर मौजूद हैं। तो गाइस इस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या अदाकार ने सही फैसला लिया है? क्या उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अपने लिए एक बेहतर फैसला किया है? इस हवाले से आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। इस हवाले से भी आप हमें बता सकते हैं कि सियासत में आने के बाद क्या उन्हें दोबारा फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर अपनी मुकम्मल तवज्जो सियासत पर ही देनी चाहिए? इस हवाले से भी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में एक नए टिप के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नहीं है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ का नोटिफिकेशन हासिल करें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में एक नए एक्टर की कहानी के साथ। तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।